हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी? हाँ जी बच्चे ठीक है। तो हम अपना क्या कर रहे थे बेटा, ट्वेल्थ क्लास अपना हमने अभी तक कर लिया था। स्टैमिन के बारे में हमने पढ़ लिया, एंथर के बारे में हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरिंजियम के बारे में हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया एंड पोलन ग्रेन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ना, दैट इज पिस्टल मेगास्पोर। अभी वहां क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने बहुत बार ये टर्म आपके साथ पहले ही यूज की थी, दैट इज योर मेगास्पोरेंजियम, यानी जो क्या होता है हमारा ओव्यूल होता है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो बेटा पिस्टल होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पिस्टल हियर। तो पिस्टल क्या होती है, गाइनोइशियम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्टैमेन को क्या बोलते थे, एंड्रोइशियम बोलते थे। तो पिस्टल क्या है, गाइनोइशियम है। ठीक है, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हुआ यहाँ तक, पिस्टल क्या है तुम्हारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को देखो। ठीक है, मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, कार्पल इज व्हाट, कार्पल इज पिस्टल। ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल, वन, मल्टी मतलब बहुत सारी। तो जहां पे फ्लावर में सिंगल पिस्टल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी, और जहां पे बहुत सारी होंगी तो वहां क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी। क्लियर है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस क्या होता है कि जब ये बहुत सारी कार्पल्स हैं और वो सारी कार्पल्स क्या है, फ्यूज, वो क्या है, फ्यूज है, तो वो क्या होता है, सिनकार्पस की सारे पिस्टल्स जो है जुड़ी हुई है, फ्यूज है। एग्जाम्पल पेपर। एपोकार्पस यानी बहुत सारी पिस्टल्स तो है लेकिन वो फ्री है, जुड़ी नहीं हुई है। क्लियर है तुम्हें, दिस इज सिनकार्पस एंड दिस इज एपोकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस इज रोज। क्लियर हुई चारों टर्म्स बेटा आपको, मोनोकार्पलरी जहाँ सिंगल पिस्टल होगा, मल्टी कार्पलरी जहाँ मोर देन टू पिस्टल्स होंगी, सिनकार्पस जहाँ पे फ्यूज होंगी पिस्टल्स एंड एपोकार्पस जहाँ पे वो फ्री हो। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अभी पिस्टल का बेसिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि पिस्टल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थ्री पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या होता है हमारा, प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा इज आर प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स लिबरेट होके आएंगे ना, उड़ के आएंगे तो वो कहाँ सेटल डाउन होंगे, यहाँ स्टिग्मा पे सेटल डाउन होंगे, और ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे फेवरेबल कंडीशंस में, तो इनमें से पोलन ट्यूब निकलेगी, वो पोलन ट्यूब अंदर जाएगी और क्या देगी, मेल गैमिट्स, टू मेल गैमिट्स उसमें से रिलीज हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक आपको, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर दी थ्री पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल। ठीक है, अब ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी, ये जो बेसल स्वोलन पार्ट है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लॉक्यूल। ठीक है, तो ओवरी की जो, ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लॉक्यूल बोलते हैं। अब जो ओवेरियन कैविटी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। 11th क्लास में प्लेसेंटेशन टॉपिक पढ़ के आए हो ना, तो वो कौन देता है, वो कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। एक्साइल है, मार्जिनल है, टर्मिनल है, सेंट्रल है, ये प्लेसेंटेशन पढ़ के आए हो ना 11th क्लास में। आप लोग नहीं आती तो बताना जरूर, वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए। ठीक है, आप लोग वैसे जवाब ही नहीं देते हो कभी कि हाँ समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, या मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो बना दो। चलो ठीक, कोई ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लोक्यूल प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और उस प्लेसेंटा से क्या राइज होता है, मेगास्पोरेंजिया, यानी कि ओव्यूल। क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वहां क्या था, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या थे, पोलन ग्रेन्स। इसी तरीके से यहाँ ओवरी के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजिया,
मेगास्पोरिंजियम एंड उनके अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। समझ में आया? ठीक है, अभी हम एक जो टिपिकल मेगास्पोरिंजिया है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हुआ। पिस्टल क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, गायनोइशियम उसको हम बोलते हैं। ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसे हम लॉक्यूल बोलते हैं। उसके अंदर प्लेसेंटा होता है जो क्या देता है, मेगास्पोरिंजिया देता है। और मेगास्पोरिंजिया क्या बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। बेसिकली मेगास्पोरिंजिया इज ओव्यूल। तो जो मेगास्पोरिंजिया है, जो ओव्यूल है आपका, उसके उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो लेट्स डिस्कस। जो मेगास्पोरिंजिया है बेटा आपका, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। फनिकल, हीलम, दिस पॉइंट इज माइक्रोपाइल एंड जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज चेरेजल पॉइंट। ठीक है, चेरेजा। दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। एंड ये जो मास ऑफ सेल है, ये जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, ये जो मास ऑफ सेल है ये क्या है आपका? न्यूसेलस है। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है तुम्हारा? फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, उसमें क्या है? तीन सेल यहाँ है जिनको एंटीबॉडल्स बोलते हैं। तो एंटीबॉडल्स कौन से पोल पे होते हैं? चेरेजल पोल पे होते हैं। सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। और ये इसको पूरे को क्या बोलते हैं? एग सेल को और सिनर्जिड को एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एग एपरेटस बोलते हैं। तो एग एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइल रीजन पे प्रेजेंट होता है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाता है चेरेजल पॉइंट पे कौन होते हैं और माइक्रोपाइल पे कौन होते हैं। देन फंक्शन ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इधर आ जाओ आप। फनिकल क्या होता है बेटा? फनिकल जो ये रीजन होता है, दिस फनिकल रीजन, ये क्या करता है? ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करके रखता है। ठीक है, तो फनिकल का फंक्शन क्या हो गया? ओव्यूल को किसके साथ अटैच रखेगा? प्लेसेंटा के साथ अटैच रखेगा। कौन? फनिकल अटैच रखेगा। ठीक है, और हिलम क्या है? हिलम जो है फनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जंक्शन। ठीक है, हिलम इज द जंक्शन बिटवीन द फनिकल एंड ओव्यूल। ठीक है, ये हमारा पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, तो फनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से शायद तुम लोगों को उतना नहीं मिल रहा होगा जितना मैं देना चाह रही हूँ। कि फनिकल क्या होता है बेटा? फनिकल होता है कि जो ओव्यूल है ना वो प्लेसेंटा के साथ अटैच किसके थ्रू होता है? इसके अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा होगा ना। तो फनिकल इज द रीजन जहाँ पे ओव्यूल एंड प्लेसेंटा अटैच होते हैं, एंड हिलम इज द रीजन जहाँ पे फनिकल एंड ओव्यूल अटैच रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब जो ये आउटर इंटेग्यूमेंट है ना बेटा, ये पूरे ओव्यूल को इनसर्कल करके रखती है एक्सेप्ट एट द टिप। इस टिप पे देखो आपको आउटर इंटेग्यूमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो इस इंटेग्यूमेंट, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल से अपोजिट पॉइंट क्या होता है? चेरेजा पॉइंट होता है, जो अभी मैंने बताया। और चेरेजा पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल्स। ये नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। चेरेजल पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइल पे क्या प्रेजेंट होता है? एग एपरेटस। ये सब दोबारा डिस्कस होगा। जो ये अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बहुत अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। ठीक है, वो तो मैंने जस्ट तुम्हें लिंक करा दिया है कि ये एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट होता कहाँ है। ठीक है, उसके बाद जो ये न्यूसेलस है बेटा, जिसको मैंने शेड कर दिया है, तो ये न्यूसेलस का काम क्या होता है? न्यूसेलस बेसिकली होता क्या है? ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है? जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ क्या होता है? न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है विद इन एंटेग्यूमेंट्स। और इस न्यूसेलस का काम क्या है? फूड प्रोवाइड करना। पोलन ग्रेन को फूड कौन दे रहा था? टैपेटम दे रहा था। या फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप होने के लिए फूड कौन दे रहा है? न्यूसेलस दे रहा है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक आपको? कोई ऐसी चीज जो नहीं क्लियर हुई है,
ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ऐसा ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने बताया फनिकल का काम क्या है, प्लेसेंटा ओव्यूल को जोड़ना। हिलम का काम क्या है, हिलम इज अ जस्ट जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। देयर आर टू इंटैगमेंट्स, आउटर इनर, जिनका प्रोटेक्शन का काम है। आउटर इंटैगमेंट पूरे ओव्यूल को एनसर्कल करती है, कवर करती है, एक्सेप्ट एट अ पॉइंट जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिसपे एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, और उससे अपोजिट चलेजा होता है जहाँ एंटीपोडल्स होते हैं। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में बीच में क्या होता है, बाइपोलर न्यूक्लिया, जिसको हम क्या सेंट्रल सेल बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, म्यूसाइलस का काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना। म्यूसाइलस इज जस्ट व्हाट, मास ऑफ सेल्स इंटैगमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल क्या होती है, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस, एक्वाकार्पस। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बहुत खुल के मिलेगा, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पोलन ग्रेन का पढ़ा था, वैसे ही जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बेटा मैं बार बार यही कहूंगी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, प्लीज मुझे कमेंट करो। ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू।